आज आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी फैमिली के बीच में जिसके बारे में जब मुझे खुद पता चला तो जितना मैं सुनकर भावुक हो रहा था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं देखकर भावुक हो गया। और सबसे पहले तो इस फैमिली को बताने से पहले, दिखाने से पहले, ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उन लोगों के मुँह पर करारा तमाचा है जो बेटियों को अभिशाप समझते हैं। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस फैमिली से मिलाने जा रहा हूँ उस फैमिली के बारे में, आइए मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ फैमिली के पास। चाचा क्या नाम है आपका? हैज मोहम्मद। किस परेशानी से गुजर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? क्या है? 10 लड़कियां हैं। 10 लड़कियां हैं आपकी? 10। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो उनमें आजकल की तरह एजुकेट नहीं होते थे, ज़्यादा बच्चे होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में एहसास होता था। हाँ, 10 लड़की बड़ी है, 10 की 10 लड़कियाँ बड़ी हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से कहूँगा कि बेटियाँ बिल्कुल साथ पीछे बैठी हुई हैं सभी, बहुत, क्योंकि आज लॉकडाउन की जैसी स्थिति है, जैसी गंभीर परेशानी है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, आज एक बुजुर्ग बाप के आंसू निकलना नेचुरल बात है। इनमें से कितनी, कोई बेटी शादीशुदा नहीं है? नहीं, ये है बड़ी वाली। शादीशुदा? हाँ। तो शादी के बाद भी आप यहीं हो? ऐसा क्यों? जी, मैं शादी से बाद में भी यहीं पर ही रहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वे बहुत परेशान करते हैं, जब भी जाती हूँ मारपीट करते हैं और कुछ मतलब दहेज वहेज मांगने की भी वो करते हैं। अब बताओ, हम, मैं गरीब फैमिली से हूँ तो मैं क्या लेके जाऊँ उनके वहाँ पर? जी, वो तो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जीन्स का, मतलब मजदूर है, कारीगर है या फैक्ट्री का मालिक? जी, मालिक है वो, उसने अपने ही मतलब मशीन लगा रखी है। उसने धोखे से 2 शादी कर रखी हैं, उसकी दूसरी बीवी और लेडी थी और मुझे झूठ बोल के शादी करी मैंने। जी, कोर्ट में भी गई मैं, मतलब मेरा वहाँ पे भी कुछ मसला हल नहीं हुआ। मैं ऐसे शादी करने वालों को, लोगों को साफ लफ्जों में कहूँ तो दरिंदा ही कहूँगा कि कुछ दरिंदों की निगाहें ऐसी बेटियों पर होती हैं, ऐसी लड़कियों पर होती हैं, ताकि वो सिर्फ शादी के नाम पर अपने मकसद पूरा कर सके। मैं जब भी जाती थी भगा देते थे, तो मैं आप जाती नहीं वहाँ पर, कभी जान से मारने की धमकी देते थे, तो मैं जाती नहीं हूँ। ये मैंने लड़की गोद ले रखी है, भांजी, अपनी बहन की लड़की। अच्छा, देखिए और ज़बरदस्त यार, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी मजबूत बात है कि खुद 10 लड़कियाँ 10 बहनें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों से आपस में कितनी मोहब्बत है कि जो है भांजी को उन्होंने लिया है। अच्छा चाचा, कैसे ज़िंदगी कैसे सरवाइव की है, कैसे कैसे खर्चा उठाया? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैंने बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्री को इंटरव्यू लिया, लेकिन आपके घर में आने के बाद मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या पूछूं आपसे, कैसे गुजारा कर रहे हैं? मजदूरी कर रहा है, बस अपना फेरी कर रहा है कुछ। अच्छा, हाँ, आप अभी भी इस उम्र में भी खेल? मैंने भी देखा, जब आप चल रहे थे तो आप चल भी नहीं पाते सही से, मजबूरी करनी पड़ा। अच्छा, तो आपने कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई? सबसे अभी। अच्छा, कभी किसी कोई मदद नहीं करता आपसे? कोई नहीं कर। अच्छा, आपको पानी की क्या दिक्कत होती है? पानी क्योंकि नल नहीं है घर में, दूर से लाना पड़ता है, दूर से ढो के लाना पड़ता है पानी। चलिए, आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए मदद की जाए, कि जिस घर के अंदर ये फैमिली रह रही है वो उस घर के अंदर आपका 2 मिनट बैठना दूभर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घर की 2 दीवारें हैं और एक दीवार बिल्कुल गिरने वाली है और दूसरी दीवार भी पानी के अंदर खड़ी है। देखिए, मैं पूरे घर का आपको जायज़ा दिखा रहा हूँ कि किस घर के अंदर, और ये भी इन्होंने खुद चिनी है ये दीवारें। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ रटोल के अंदर, ये फैमिली रटोल में है और रटोल के अंदर जो पूरे एशिया के अंदर आम के लिए प्रचलित है, और यहाँ पर एक से एक जरदार, एक से एक कारोबारी, एक से एक बड़ा व्यापारी, और सबसे स्पेशली यहाँ पे मौजूदा प्रधान ने भी क्या इनकी मदद की होगी जो आज तक भी इस हालात के अंदर ये जी रहे हैं। अभी इनकी फाइनेंशियली ज़्यादा बड़ी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ गाज़ियाबाद जनाब साजिद साहब। देखो, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, जैसे इस हालात में इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। ये थोड़ी सी मदद थी, ये लो चाचा, रखो इन्हें, फिर इंशाल्लाह बाद में आएंगे। देखिए, हुंकार टीम की तरफ से और स्पेशली जो ब्यूरो चीफ बागपत हमारे साजिद साहब हैं, उन्हें इस फैमिली, जब हम न्यूज़ बना रहे थे, न्यूज़ बनाते बनाते हमसे खुद इनके आंसू नहीं देखे जा रहे दोस्तों, कि जो ये लड़कियां मायूस बैठी हुई हैं, किसी कोई उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई हैं, ये लड़कियां जो है इनकी उम्मीद पर आप लोग खड़े उठ रहे हो, हिंदुस्तान मिलकर जाति भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर इनकी मदद के लिए आ गए हैं। चाचा, हमने जो अकाउंट नंबर लिया आप ही का है? हाँ जी।
आप ही का है ना ये? हाँ जी। ये कौन है जिसके नाम से अकाउंट नंबर है? घरवाली है। आपकी घरवाली है? हाँ। उनका अकाउंट नंबर चालू है ये? हाँ। तो आप देर से क्या अपील करना चाहेंगे इस अकाउंट के लिए? हमें चाहे कुछ मदद हो जाए। आपकी कुछ मदद हो जाए।